क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे पहला गन कैसे बना था या इसे किस देश ने बनाया था? और क्या आप जानते हैं कि दुनिया में जो गन पाउडर यूज होता है वो कहाँ बना था? तो गाइस, आज मैं आपको इस वीडियो में दुनिया का सबसे पहला गन किस देश ने बनाया था और कैसे बनाया था इसके बारे में बताऊंगा। क्या आपको पता है कि आज के प्रेजेंट टाइम में जो गन यूज होता है उसकी शुरुआत कब से हुई है? यदि आपको ऐसा लगता है कि इसकी शुरुआत 200 या 300 साल पहले हुई थी तो आप गलत सोच रहे हैं। गाइस, दुनिया का सबसे पहला गन चाइना में बना था, वो भी आज से लगभग 1000 साल पहले 10वीं शताब्दी में। और 12वीं शताब्दी तक यह पूरे एशिया में फैल चुका था और 13वीं शताब्दी आते आते यह पूरे यूरोप तक फैल चुका था। मैं आपको दुनिया की पहली गन कैसे बनी थी उस बारे में बताने से पहले आपको ये बता दूं कि दुनिया में सबसे पहले गन पाउडर कहाँ बना था, क्योंकि गन पाउडर के बिना कोई भी गन किसी काम की नहीं होती। गाइस, गन पाउडर को भी चाइना ने ही बनाया था और गन पाउडर को गन से 100 साल पहले ही बना लिया गया था। चीन ने ही 9वीं शताब्दी में गन पाउडर का भी आविष्कार कर लिया था। तो चलिए जानते हैं कि दुनिया की सबसे पहली गन को कैसे बनाया गया था। गाइस, जो बात मैं आपको बताऊंगा शायद आपको उस पर बिलीव ना हो, लेकिन वर्ल्ड की सबसे पहली गन किसी मेटल की नहीं बल्कि एक लकड़ी की बनी थी। और जिस लकड़ी का इस्तेमाल गन को बनाने में किया गया था वह बम्बू यानी बांस का बना था। इसमें इस लकड़ी को लंबे भाले के आकार का बनाया जाता था और उसके अंदर पहले गन पाउडर को भरा जाता था। फिर उसके बाद लोहे के कुछ छोटे छोटे छर्रे भरे जाते थे और उस भाले के अंत में काली पाउडर से भरी ट्यूब लगाई जाती थी जिसमें आग लगाने पर यह गन पाउडर को से जलाती थी। और जब यह गन पाउडर जलने लगता था तो बाहर निकलने की कोशिश करता था और बाहर निकलने के लिए इसमें सिर्फ सामने वाला होल ही होता था, जिससे होकर छर्रे और गन पाउडर तेजी से बाहर निकलते थे और सामने किसी भी टारगेट पर अटैक कर देते थे। फिर धीरे धीरे समय बीतने लगा और साथ ही इस गन में थोड़े थोड़े बदलाव किए जाने लगे। इस गन के विस्फोट को बेहतर ढंग से झेलने के लिए गन के पीछे फायर लांस को मेटल का बनाया जाने लगा, जिससे इसके अंदर छर्रे और भी बेहतर ढंग से काम करने लगे। इसके बाद गन में समय बीतने के साथ कुछ और चीजें बेहतर तरीके से जोड़ दी गई, जिसमें पहला गन बैरल जिसे मेटल का बना दिया गया, सेकंड हाई नाइट्रेट गन पाउडर और लास्ट इसका मजल जिससे इसका बारूद पूरी तरह से बाहर निकल जाता था। इसके बाद गन्स के फील्ड में सबसे बड़ी क्रांति तब आई जब 1336 ईस्वी से 1450 ईस्वी के टाइम में ब्रिज लोडिंग गन्स का उपयोग होने लगा। इसने गन के फील्ड में नई क्रांति ला दी। यह गन लोगों को इसलिए पसंद आई क्योंकि यह चलाने में बहुत ही ज्यादा सिंपल था और इसमें पाउडर वेपन का यूज होता था जो काफी अच्छा माना जाता था। गाइस, क्या आपको पता है कि यूरोप में 14वीं शताब्दी में सबसे पहले छोटे और हाथ से पकड़ने वाले तोपों को बनाया गया था और सबसे पहली बार रैपिड फायर गैटलिंग गन को रिचर्ड गैटलिंग ने 1800 में अमेरिकी सिविल वॉर के समय बनाया था। गाइस, ये तो थी पुराने टाइम की गन्स की बात। अब मैं आपको बताऊंगा कि आज के मॉडर्न गन्स कैसे काम करते हैं। वैसे तो डिजाइन के अनुसार सभी गन्स और बुलेट्स अलग अलग होते हैं, लेकिन जब किसी बुलेट को शूट किया जाता है तो उसे गन बैरल के अंदर रख लिया जाता है और जो बुलेट्स होती है उसके पीछे वाले प्राइमर पर तेजी से वार किया जाता है, जिससे उसके अंदर का गन पाउडर तेजी से जल जाता है। और जब यह जलता है तो यह बाहर निकलने की कोशिश करता है और यह बाहर निकलने के लिए आगे लगी बुलेट को तेजी से धक्का देता है, जिससे बुलेट बहुत ही स्पीड से आगे चली जाती है और टारगेट से टकरा जाती है। गाइस, क्या आपको पता है कि जो बुलेट गन से निकलती है उसकी स्पीड कितनी होती है? तो गाइस, मैं आपको कुछ गन से निकली बुलेट्स की स्पीड बताता हूँ। वैसे तो हर बुलेट्स की स्पीड उस गन पर डिपेंड करती है, क्योंकि कुछ गन्स की बुलेट ज्यादा दूर जाती है, कुछ की कम दूर जाती है। यदि आप राइफल से गोली चलाते हैं तो उस बुलेट की स्पीड 2000 किलोमीटर पर घंटा होगी और यदि आप AK-47 बुलेट चलाते हैं तो यह 670 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाती है। और यदि आप रिवॉल्वर यूज करते हैं तो इसकी एवरेज स्पीड 209 किलोमीटर पर घंटा होती है। गाइस, आप सभी ने शादियों में और वैसे भी पार्टियों में लोगों को गन फायरिंग करते हुए तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो बुलेट आपने हवा में फायर की है अगर वो किसी के ऊपर गिरेगा तो भी उसकी मौत हो सकती है।